उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़े का है, लड़कियों का फेवरेट होने वाला है और बॉयज़ का भी फेवरेट होने वाला है। क्योंकि बताती हूँ अभी क्यों बॉयज़ का फेवरेट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें मेरी वीडियो पूरी देखनी है, मेरा व्लॉग पूरा देखना है, फिर उसके बाद लाइक करना है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। वीडियो में मुँह ही टेढ़ा रहता है, जो वर्ड्स आते हैं वो भी भूल जाती हूँ, ठीक है। तो आगे मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आज की वीडियो है रिंग्स कलेक्शन पर, लॉट्स ऑफ रिंग, ये भी इस बॉक्स में इतनी ज़्यादा और ये भी लॉट्स ऑफ रिंग है मेरे पास, मोर बहुत ज़्यादा मेरे पास रिंग्स हैं। तो ये लड़कियों का फेवरेट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये रिंग्स कलेक्शन पे है, और बॉयज़ का भी फेवरेट होगा ताकि बॉयज़ ये रिंग्स देखें और अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देने के लिए, फियोंसी के लिए अगर रिंग बनानी है तो आप इसमें से कलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी मोस्ट ऑफ फेवरेट रिंग, मैं आपको प्राइस भी बताती रहूँगी। ये हमारी फेवरेट रिंग है, मुझे आर्टिफिशियल रिंग्स पहनने का, ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। ये मैंने ली थी 3500 में थी, ये मैंने डिस्काउंट में ली थी 3000 में। कैसी है? नहीं, डिसेंट सी है ना, कैजुअल सी रिंग है। मुझे बहुत काम आती है रिंग्स। ज़ैनब को नहीं आती, इसके हाथ पतले हैं, खुली होते हैं सारे हाथों में खुली है उसका। और मोस्ट ऑफ माय फेवरेट रिंग, ये तो मेरी न्यू है ना ज़ैनब, ये हमारी न्यू है, ये हमारी पहले, हाँ। और ये मेरी बहुत पुरानी रिंग है, ये मेरी तकरीबन 5 साल पुरानी रिंग है, ये भी मेरी फेवरेट रिंग है। तो इसको मैंने 5 साल से संभाल के रखा हुआ है। ये भी मैंने एनजी से ली थी, एनजी ब्रांड पता है ना आपको, उधर से ली थी 1000 की। ये भी मेरी फेवरेट रिंग है, बड़ी पहनती हूँ, किसी दिन व्लॉग बनाऊंगा फिर पहनूंगी। ये नीचे से फिट और ना लूज कर सकते हैं, इसका है बना हुआ है, ये मुझे अच्छी। और ये इतनी ज़्यादा रिंग्स, इनमें से मैं आपको दिखाती हूँ मेरी कौन सी इतनी पुरानी रिंग है। ये मेरी 5 साल पुरानी रिंग है फ्रेंड्स, ये ब्लू वाली, ये भी 5 साल पुरानी रिंग है मेरी। मैं आपको सारी ना पुरानी रिंग्स दिखाती हूँ, ये भी मेरी 5 साल पुरानी रिंग है। और ये ऊपर वाली भी मेरी 5 साल पुरानी रिंग है, ठीक है। ये ग्रीन वाली भी मेरी 5 साल पुरानी रिंग है। ये सब रिंग्स मेरी इतनी फेवरेट है, मैं अपनी अपने कपड़े ज्वेलरी सब संभाल कर रखते हैं मैं और ज़ैनब, कभी भी हमने ना वो नहीं किए, ख़राब नहीं करते। और ये ब्लैक वाली भी मेरी फेवरेट रिंग है। अब मुझे आपने बतानी है इनमें से कौन सी रिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये मेरी फेवरेट रिंग है, ये मैं बहुत पहनती हूँ, और ये ज़ैनब की फेवरेट है और मुझे अच्छी लगती है। ये सिर्फ ये एक वाहद है जो मेरे बिल्कुल परफेक्ट आती है, बहुत अच्छी लगती है। ये भी मेरे पास मेरे ख्याल से 5 साल से ही होगी। हाँ, इतनी पुरानी रिंग्स है हमारे पास जी सब्सक्राइबर्स। ये मेरी 5 साल पुरानी रिंग्स है और ये मेरी ब्रांड न्यू रिंग्स है, ये मैं लेके आई थी ईद पे। मुझे आपने बताना है इनमें से कौन सी फेवरेट है, आप लोगों को कौन सी पसंद है या आप लोगों को कौन सी अच्छी लगे, ठीक है। हर स्टाइल की हमारे पास, क्लोजअप करके भी दिखा देती हूँ है ना। हाँ, मेरे पास कैजुअल फंक्शन में पहनने वाली, मैं अब आपको फंक्शन में पहनने वाली दिखा रही हूँ। आजकल चल रही है ना ये चेन वाली, आगे भी रिंग पीछे भी रिंग और चेन होती है बीच में। और मुझे ग्रीन कलर की रिंग्स पहनने का बहुत शौक है, मैं ग्रीन फ्रोजी रिंग्स की कलेक्शन बहुत करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी सारी। ये देखें फ्रोजी ग्रीन, देख लें कितनी कलेक्शन है। अभी बॉक्स में इतनी ज़्यादा है, ये बॉक्स ओपन किया है, ये सारी रिंग से भरा हुआ है, इसके अंदर फ्रोजी भी नज़र आ रही होगी एक, तो मुझे ग्रीन कलर की रिंग्स करने हैं। हाँ, 100 से भी ज़्यादा हो गया ना, तो हमारा शौक है ये बहनों का। ग्रीन कलेक्शन भी बहुत है मेरे पास और फ्रोजी भी बड़ी। हाँ, और ये मेरी आपी ने मुझे लंदन से भेजी थी, हमें एक ये वाली, ये दिखाओ ना, ये वाली बाबा जी सियालकोट आजकल ये टिकटॉक पे ट्रेंड चला हुआ, बाबा जी सियालकोट
ये मेरी आपी ने भेजी थी, ये भी एक ये भेजी थी, ये भी मेरी आपी ने बाहर से रिंग भेजी थी, ये भी है तकरीबन 10 साल पुरानी। देख ले मैंने अभी तक संभाली है, मैं चीजें जरा भी नहीं तोड़ती ना बखेरती ना, इसलिए ना मिक्स करना एक और फ्रोजी निकल आई सरप्राइज, ये भी बहुत और एक और फ्रोजी निकल आई, ये बहुत बड़ी फ्रोजी ग्रीन कलेक्शन मेरे पास बहुत है ये जब मैं, ये भी मेरी बहुत 5 साल पुरानी रिंग है, ये जब मैंने ली थी मुझे आती नहीं थी पर मैंने लेके रख ली, अब मुझे आती है, पहले पहनती थी नीचे तक, इंपोर्टेड लोकल मुझे लिबर्टी से मिले, इच्छरा बाजार से मिले, मुझे कहीं ब्रांड से मिले, शादी भी हमारे पास शादी लेते हैं हम, ये हम उस वक्त अच्छी लगती है जब घर आते हैं ना तो फिर ये अच्छी लगती है, जैसे कि ये भी हो गई कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। और कुछ था पहले बंदा एक सी रिंग पहने, और एक ये भी मेरी फेवरेट रिंग है, नहीं बिल्कुल ये भी मैंने ईद पे ली थी, ये देखो मैंने आपको बोला ना मैंने शादी वाली रिंग की है, शादी ब्रांड भी है हमारे पास, बहुत सी रिंग्स हैं, ब्रिंग ब्रिंग अब ये दिखाओ हमारे पास, चंदे सब्सक्राइबर्स, और मेरे पास ये कलेक्शन भी है रिंग्स की, जो यहाँ पे पहनते हैं ना रिंग्स, ये पूरी यहाँ पे नहीं आती फिंगर पे, सिर्फ यहाँ पे ये हड्डी पे पहनने के लिए होती है, मेरे पास ये कलेक्शन भी है, ये देखो लोकल में इंपोर्टेड में कुछ बाहर से आया, ये वाली बाहर से आई है सिस्टर ने दी थी, और ये वाली भी बाहर से आई है, बाकी कुछ मैंने ये लिबर्टी से लिया है, कुछ मैंने एनजी से लिया है, मेरे पास ये कलेक्शन भी है, अच्छी लग रही है ना जैनम, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम मिलकर पहनते हैं, ये वाली मेरी फेवरेट है, ये और ये ब्लू वाली, ऐसे ऐसी रिंग्स मैं बहुत पहनती हूँ जिसके ऊपर नाक जैसा होता है ना, ऐसी रिंग्स मैं बहुत पहनती हूँ, इस वजह से ये ब्लैक कलर की भी है मेरे पास, और ये भी आ जाना, और कौन सी ये वाली भी तो पहनती हूँ, ये पहनती हूँ ये पहनती हूँ मैं, ये ब्लैक कलर की, ऐसे मैं ना नाक वाली ना जो नाक की टाइप की होती है ना वो बहुत पहनती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ और हमारे पास ये गोल्डन कलेक्शन भी है रिंग्स में, जैसे कि शादी फ्रॉक वगैरह, शादी हो फ्रॉक वगैरह पहना हो, साड़ी वगैरह पहनी हो तो शादीशुदा जो औरतें पहनती हैं ना जैसे गोल्ड की लगे, ये कलेक्शन भी है मेरे पास, ये रिंग है, ये बाजी ने भेजी थी मैंने, ये भी रिंग है, एक पहनती दिखाओ ना, मैं पहनती दिखाऊँ सब्सक्राइबर्स, एक ये रिंग है मेरे पास, ये मेरी सिस्टर ने भेजी थी मुझे लंदन से, मुझे नहीं यानी कि हम तीनों को जो चीज़ आती है वो हम तीनों के लिए आती है, तो अभी मैंने वजू किया, मैंने नमाज़ पढ़ने जानी है ईशा की, आज मैं व्लॉग लेट बनाना शुरू हुई हूँ, ईशा के बाद ईशा के टाइम बनाना शुरू हुई हूँ, अजान हो गया तो मैं ये व्लॉग बना के नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, ईशा की एक और नाक वाली रिंग की है पर ये बहुत पुरानी हो गई है, ब्लैक हो गई है, मैं पहनती हूँ, ये भी ये भी, हाँ ऐसे डायमंड की जैसे, ये भी आपको हमारे पास कलेक्शन मिलेगी शादी वाली, बताया ना मैंने आपको सारी कलेक्शन मिलेगी आपको मेरे पास, एक और आ गई पॉल्स लग जाते ना लेडीज के लिए भी, और हमारे पास वो रिंग्स भी हैं वो जो बारीक बारीक नहीं पहनते छल्ला टाइप था, मैं आपको दिखाती हूँ जी सब्सक्राइबर्स, मैंने आपको हर तरह की अपने पास कलेक्शन दिखाई है, यहाँ पहनने के लिए शादी वाली कलेक्शन, और यहाँ पहनने के लिए मोटी वाली बड़ी रिंग्स भी दिखाई है, फ्रोजी में भी आपको कलेक्शन दिखाई है, ग्रीन में भी कलेक्शन दिखाई है, अब आपको छल्ला टाइप कलेक्शन दिखाती हूँ, ये बारीक बारीक यहाँ पे बड़ी बड़ी भी रिंग्स पहने ना मैंने, जैसे कि इस तरह की बड़ी बड़ी रिंग्स, ये मैंने आपको सारी कलेक्शन दिखाई है, तो इसके अलावा मैंने आपको ये बारीक में भी कलेक्शन दिखाई है कि आप छल्ला टाइप भी पहन सकते हो, और ये मेरी एक ईयर रिंग रह गई थी, ये हमारी मोस्ट ऑफ फेवरेट रिंग है, तो ये यहाँ पे पहनने के लिए है, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास छल्ला टाइप भी कलेक्शन है सारी, इधर अंगूठों में पहनने के लिए भी, थम्स में पहनने के लिए भी छला कलेक्शन है, ठीक है वो भी दिखाती हूँ, और क्या कह रही हो आप, ये हाँ ये भी दिखाती हूँ, एक मिनट जी सब्सक्राइबर्स, एक हमें हमारी फेवरेट रिंग है ये वाली, ये रिंग देख के आपको कुछ पता लगा ये किसने पहनी है, ये ऐश्वर्या राय ने अपनी इंगेजमेंट पे पहनी थी, वो अभी भी ये रिंग पहन के रखती है, तो हमें ये फेक में वैसे डिज़ाइन में मिली तो हमने ये फ़ौरन ले ली, तो ये रिंग हमें बहुत पसंद आई, अच्छी लग रही है ना, ये वो हाथ में हमेशा पहन के रखती है, स्टैचू जो उसका है ना उसमें भी उसमें भी ये उसमें, हाँ अमेरिका में जो उसका स्टैचू है ना वो वाला ना,
उसमें भी उसने पहन के रखी है। हाँ यानी कि उसके हाथ में होती है हमेशा, तो ये हमें डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा था तो ये हमें मिली, तो हमने इसमें ये ले ली रिंग। और डायमंड की है उसकी, तो डायमंड की है बिल्कुल, ये दिखा। और ये बड़ी भी रिंग्स है हमारे पास, ये किसको पसंद आएगी? ये मैं नहीं पहनती बिल्कुल। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा रिंग्स हो गए हैं ये टेबल पे। ओ माय गॉड, माशाल्लाह बोलते हैं माशाल्लाह। तो सब्सक्राइबर्स ये हमारे, और एक ये हमारे पाँव में पहनने वाली भी रिंग है हमारे पास, ये भी चेन टाइप है। अब पाँव में पहन के दिखाऊँ अभी नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको हाथ में पहन के दिखा देती हूँ। अच्छी लग रही है ना, ये खींच के ना बड़ी भी हो सकती है, यहाँ तक भी पहन सकती हूँ मैं, यहाँ तक पर पाँव में मैं, हाँ पर ये पाँव में पहनने के लिए है, ठीक है। और बहुत से रिंग्स हैं, मैंने आपको सारी कलेक्शन दिखाई। एक ये भी रिंग है, बहुत मेरी फेवरेट रिंग है, जो ऐसे बड़े बड़े स्टोन लगे होते हैं ना, जैसे ये हो गया स्टोन बड़ा सा लगा, मुझे बहुत पसंद होती है ऐसी रिंग्स। और एक ये कॉइन वाली भी बहुत रिंग्स चली थी, ये मेरी सिस्टर ले गई, पर ये मुझे आती नहीं, तंग है बहुत टाइट है। ये एक और फ्रोजी में निकल आई रिंग, एक ये निकल आई, एक और ब्लू ब्लू फ्रोजी फ्रोजी, एक ये निकल आई, ये भी मेरी फेवरेट फेवरेट तो सारी है मेरी रिंग्स, सारी कलेक्शन हो गई है। एक ये भी कॉइन टाइप है, सारी रिंग्स हो गई। आज का व्लॉग हमारा यही था, और जानब करने लगी है पेंटिंग, जानब का ये पेंटिंग का सामान पड़ा सारा, किधर गया नजर ही नहीं आ रहा मुझे, वो नीचे टेबल पे नज़र आ रहा है, ये सारा इसका सामान पड़ा। तो जैनब पेंटिंग करने लगी है, पेंटिंग बनाएगी, कौन सी बनाती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इतने दिनों से ये पेंटिंग रेडी कर रही है, किसके माँ बना रही है, सरप्राइज़ है वो बना लेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आज का व्लॉग मेरा यही था, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और आपको प्यार के साथ की बहुत ज़रूरत है, और बड़ों की इज्जत करनी है, छोटे से प्यार करना है, और जानवरों का ख्याल रखना है, जानवरों को नहीं मारना, उनको खाना डालना है। और आज का व्लॉग हमारा यही था, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो पूरी देखा करें, पूरी देखा करें, पूरी देखा करें। और तब तक के लिए बाय।